अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज़ वेनसडे 17 जून 2020, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आरवे, लेसन 20, चैप्टर नेम इज़ द कैंगरूज टेल, पेज 121। स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन दोनों चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। लेसन नंबर 20, द कैंगरूज टेल, वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1 इज फरी, बालों वाला। नंबर 2 बियर, रीच। शेयर, हिस्सा। स्टडी, ताकतवर। बीस्ट्स, दरिंदे। गार्ड, हिफाजत करना। टस्क, हाथी के दांत। वंस अगेन देख लीजिए। फरी, बालों वाला। बियर, रीच। शेयर, हिस्सा। स्टडी, ताकतवर। बीस्ट्स, दरिंदे। गार्ड, हिफाजत करना। टस्क, हाथी के दांत। अब ट्रांसलेशन लाइन्स की तरफ आए। द कैंगरूज टेल, ओके, फर्स्ट लाइन जो मैंने ली है वो यहाँ से है, पेज 121 से। अ फरी कोट हैज़ द बियर टू वेयर। फरी कोट मीन बालों वाला कोट। वेयर मीन पहनना। रीच के पास पहनने के लिए बालों वाला कोट है, ओके। रीच के पास पहनने के लिए बालों वाला कोट है। लाइन नंबर 2, द यॉर्क हैज मोर देन हिज शेयर ऑफ हेयर। शेयर मीन हिस्सा। द यॉर्क हैज मोर देन हिज शेयर ऑफ हेयर। यॉर्क के पास अपने हिस्से से बढ़कर बाल हैं। यॉर्क के पास अपने हिस्से से बढ़कर बाल हैं। लाइन नंबर 3, बट द कैंगरूज टेल इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। बट द कैंगरूज टेल, लेकिन कैंगरू की दुम इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, एंड स्टडी और ताकतवर है। लेकिन कैंगरू की दुम मजबूत और ताकतवर है। लाइन नंबर 4, द एलिफेंट्स टस्क आर सोल्ड फॉर गोल्ड। टस्क मीन हाथी के दांत। द एलिफेंट्स टस्क, हाथी के दांत, आर सोल्ड, बेचे जाते हैं, फॉर गोल्ड, सोने के अवज। हाथी के दांत सोने के अवज बेचे जाते हैं। लाइन नंबर 5, द पैरट इज नेवर टू ओल्ड टू स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन बुरा भला कहना। द पैरट इज नेवर टू ओल्ड, तोता कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे बुरा भला कहा जाए या डांट पट की जाए उससे। तोता कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे डांट पट की जाए। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन लाइंस अपनी नोटबुक पर लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।